केमो बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका केमो बिटकॉइन चैनल में, और आज के इस वीडियो में बिटकॉइन का प्राइस सडनली बढ़ा $5,000। इसके पीछे जानेंगे हम तीन रीजंस। दोस्तों बिटमैक्स के ऑटो डीलेवरेजिंग फंक्शन से कुछ लोगों को लॉस हुआ है, उसको कॉम्पनसेशन देगा बिटमैक्स। दोस्तों बाइनेंस अनाउंस किया है कि वो लेटर इन अप्रैल लॉन्च करने वाले हैं अपनी डेक्स। तो दोस्तों देखते रहिए आज की क्रिप्टो ताज़ा खबर। दोस्तों आज की न्यूज स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्रिप्टो की दुनिया से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज़, बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि लेट अप्रैल में वो लॉन्च कर देंगे अपनी डेक्स, यानी कि इस महीने के एंड तक लॉन्च हो जाएगी उनकी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। फरवरी में दोस्तों मैंने रिव्यू किया था जब इन्होंने अपना टेस्टनेट लॉन्च किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। पर अब होने वाला है मेननेट लॉन्च, यानी कि हर एक के लिए, पब्लिक के लिए ये हो जाएगी ओपन और अपने फंड्स यहाँ पे डिपॉजिट कर पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे। अब दोस्तों कब अनाउंस होगी एग्जैक्टली इसकी डिटेल नहीं दी गई है, बट बाइनेंस के सीईओ ने ये अनाउंसमेंट कर दी है जब वो एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे अप्रैल 4th और 5th को, जो साउथ कोरिया में हो रही थी। तो टॉपिक था दोस्तों सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड, और यहाँ पे उन्होंने करी दो मेजर अनाउंसमेंट्स। अब बाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अलावा जो दूसरी अनाउंसमेंट उन्होंने करी है वो है लॉन्च ऑफ बाइनेंस सिंगापुर। तो सिंगापुर में वो अपनी फिएट टू क्रिप्टो एक्सचेंज चालू करने वाले हैं, वो भी अप्रैल में ही लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों सिर्फ बाइनेंस यूजर्स के लिए ही नहीं बल्कि बाकी क्रिप्टोकरेंसी यूजर्स के लिए जो एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनके लिए भी काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि बाइनेंस की अगर ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज अगर इसने ऐसी ही परफॉर्मेंस दी जैसे कि उसने टेस्ट नेट में दी थी तो वाकई में ये काफी बड़ा स्टेप होगा। अब साथ ही साथ ये जानकर भी आपको खुशी होगी कि बाइनेंस का जो ट्रस्ट वॉलेट है वो भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इस एक्सचेंज के साथ, साथ ही साथ हार्डवेयर वॉलेट लेजर नैनो एस भी इस एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेटेड होगा, और बाकी जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा वैसे बाकी वॉलेट्स को भी ये बाइनेंस डेक्स के साथ इंटीग्रेट करते रहेंगे। तो दोस्तों इस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की जैसे ही डेट नज़दीक आएगी, लॉन्च होने की जैसे ही डेट अनाउंस होगी उस टाइम पे एक बार फिर से बाइनेंस कॉइन का प्राइस बढ़ सकता है तेजी से, तो इस चीज़ पे दोस्तों ध्यान रखिए। अब दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ पे, और वो है बिटमैक्स ने अनाउंस किया है कि वो कुछ यूजर्स को कॉम्पनसेट करेंगे जो कि अफेक्ट हुए थे उनके ऑटो डीलेवरेजिंग फंक्शन से। जैसे ही बिटकॉइन का बुल रन दोस्तों स्टार्ट हुआ तो बिटमैक्स के ऑटो डीलेवरेजिंग फंक्शन में बेसिकली एक बग था जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा यूजर्स अफेक्ट हुए। तो अब बिटमैक्स ने अनाउंस किया है कि उन सबको कॉम्पनसेशन दी जाएगी और वो इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करेंगे उन सब यूजर्स को जो कि उससे अफेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों जो टोटल कॉस्ट है बिटमैक्स को, मतलब कि जो टोटल पोजिशन अफेक्ट हुई हैं उनके हिसाब से काफी मिनिमल है जो पोजीशंस अफेक्ट हुई हैं, पर जो टोटल कॉस्ट बन जाती है दोस्तों वो बन जाती है $500 मिलियन की। दोस्तों हुआ क्या था कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस तेजी से बढ़ा तो ऑटोमेटिकली बिटमैक्स ने कुछ क्लाइंट्स के पोजीशंस क्लोज कर दी, जो बिटकॉइन इथेरियम में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लेके ओपन करके रखे हुए थे तो उनको ऑटो डीलेवरेज कर दिया गया। अब इनके हिसाब से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये सारे यूजर्स अफेक्ट हुए। तो अगर आप उन यूजर्स में से हैं जो इसमें इफेक्ट हुए हैं तो बिटमैक्स ने प्रॉमिस किया है कि जो रफली 200 क्लाइंट्स अफेक्ट हुए हैं उनको वो पर्सनली रीच आउट करेंगे टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, और जो भी कॉम्पनसेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी। और जो कॉम्पनसेशन दी जाएगी वो बेसिकली दी जाएगी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट जो आप लोग कमा सकते थे, उसके बेसिस के हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों ये तो अच्छी न्यूज है उन यूजर्स के लिए जो इससे इफेक्ट हुए हैं, और बिटमैक्स ने ये भी कहा है कि बिटमैक्स ने कोई भी प्रॉफिट नहीं उठाया है फ्रॉम दीज ऑटो डीलेवरेज पोजिशन। और दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं, बिटमैक्स के सीईओ हैं आर्थर हेज, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन का प्राइस 2019 में $10,000 तक को टच कर सकता है, और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि लॉन्ग डोमेंट इनिशियल कॉइन ऑफरिंग आईसीओ मार्केट जो कि इथेरियम पे चलती थी पहले उसमें भी अब जान आ सकती है, यानी कि एक बार फिर से उसका रिटर्न हो सकता है और डायरेक्टली उसका जो इम्पैक्ट होगा वो होगा इथेरियम के प्राइस पे। अब दोस्तों बात करेंगे वो तीन रीजंस जिसको माना जा रहा है कि जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस सर्ज किया $5,000। तो दोस्तों इस बात की तो हर एक को खुशी है, हर एक क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टर को खुशी है कि बिटकॉइन का प्राइस $5,000 को ब्रीच कर गया और इतनी जबरदस्त तरीके से ब्रीच किया, पर हर कोई जानना चाहता है इसके पीछे रीजंस। तो दोस्तों तीन रीजंस यहां पे पोटेंशियल जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बूस्ट मिला है बिटकॉइन के प्राइस को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। तो एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो होता है टेक्निकल, तो यानी कि जो लोग टीए कर रहे थे, आपको याद होगा कि जो पिछला न्यूज़ वीडियो था उसमें मैंने भी आपको ये बताया था कि $4,200 का जो है वो की रेजिस्टेंस लेवल है, और एक एनालिस्ट का यही मानना था कि 4200 अगर वो ब्रीच कर जाता है बिटकॉइन तो उसके बाद बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ हुई दोस्तों,
यहाँ पे 4200 को तो आराम से ब्रीच कर गया, उसके बाद की भी जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे उसको भी बिटकॉइन ब्रीच कर गया और $5000 क्रॉस कर गया। तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया है कि टेक्निकल्स जो हैं वो काफी टाइम से यही बता रहे थे कि जो बेरिश ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है, बुलिश ट्रेंड अब स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये सिर्फ टाइम ही था कि कब होने वाला है, जो कि इस पूरे एनालिसिस में मिसिंग था, और वही टाइम अब April 2 को हुआ जब बिटकॉइन का प्राइस ब्रीच कर गया $5000। तो लेट फरवरी में ये स्टार्ट हो गया था जब रिपोर्ट किया गया था कि 50 वीक मूविंग एवरेज ड्रॉप हो गई है बिलो द 100 वीक मूविंग एवरेज, कंफर्मिंग अ बेयरिश क्रॉसओवर द फर्स्ट सिंस April 2015। यानी कि April 2015 के बाद ये पहला बेयरिश क्रॉसओवर था। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया है MFI और MACD इंडिकेटर्स की, वो क्या स्टोरी बता रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन है TA की वो आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो टेक्निकल्स एक रीजन था जो कि लॉन्ग ओवरड्यू था, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो बुलिश ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ। अब जो दूसरा रीजन है, देखो इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ, वो है माइनिंग रिवॉर्ड हाविंग। तो अब आपको पता है कि बिटकॉइन का हर 4 साल बाद, अप्रॉक्सीमेटली 4 साल बाद जो रिवॉर्ड्स होते हैं माइनिंग के, वो हाफ हो जाते हैं। तो बेसिकली वही इवेंट होने वाला है May 2020 में। तो इसका मतलब है जो भी हमने पिछला हिस्ट्री हमें बताता है वो यही है कि जब भी ऐसा होता है तो उसके लगभग 1 साल पहले से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे यही फोरकास्ट किया जा रहा है कि क्योंकि अब वो टाइम नज़दीक आने वाला है, लगभग 1 साल ही बचा है नेक्स्ट हाविंग में, तो वो एक रीज़न डेफिनेटली हो सकता है जिसकी वजह से अब वो ट्रेंड दोस्तों स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद दोस्तों आता है जो तीसरा रीज़न है, वो है मार्केट एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी कि $100 मिलियन का एक सिंगल ऑर्डर जो कि मल्टीपल जगह से एग्जीक्यूट हुआ है, उसने बिटकॉइन के प्राइस को बूस्ट किया है। यहाँ पे लिखा गया है अ सिंगल एल्गोरिथमिकली मैनेज्ड ऑर्डर वर्थ 100 मिलियन स्प्रेड अक्रॉस सेवरल मेजर एक्सचेंजेस, कॉइनबेस, क्रैकन एंड बिटस्टैम्प। तो कॉइनबेस, क्रैकन और बिटस्टैम्प के ऊपर $100 मिलियन का एक केयरफुली मैनेज्ड ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जिसकी वजह से ये सडन रैली जो है वो मार्केट में देखने को मिली। अब ये एक सिंगल यूजर का था कि मल्टीपल यूजर्स का था, मल्टीपल वेल्स थी, सिंगल वेल थी, ये कहना दोस्तों मुश्किल है। बट यहाँ पे $100 मिलियन का ये एक सिंगल ऑर्डर, इसको माना जा रहा है जो कि रीजन बना $1000 के बिटकॉइन के जंप का। अब दोस्तों इसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस का चार्ट है। तो शॉर्ट पोजीशंस जो है वो लोएस्ट लेवल सिंस मार्च 2018 पहुंच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट, बट उसके बाद ये फिर से रिकवर होके 13% फिर से बढ़ गई। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉल हुआ है और ये फिर से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब आगे क्या सिचुएशन होगी, आगे प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस अगर पुल बैक लेगा, माइनर पुल बैक होगा 4700 की रेंज में शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद ओवरऑल आउटलुक है वो इफेक्ट नहीं हो रही, ओवरऑल जो आउटलुक है वो बुलिश ही रहेगी, और वो तब तक बुलिश रहेगी जब तक बिटकॉइन का प्राइस $4236 से ऊपर रहता है। तो एक बार फिर से 4200 की वो बहुत क्रिटिकल फिगर, 4200 की ही फिगर को माना जा रहा है कि अगर इसको ब्रीच करता है बिटकॉइन तो वो रहता है बुलिश टेरिटरी में, अगर इससे नीचे चला जाता है तो फिर से वापस बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे तीन रीजन जिसको माना जा रहा है कि जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो रिसेंट रैली हुई है वो इन तीन रीजंस की वजह से हुई है। अब दोस्तों आप क्या क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस पूरी चीज़ के बारे में, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों ये था आज का क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।